वैसे तुम हो बहुत बेमरामत, बिना बताए शादी करके ऐसे गायब हुए कि बंदा ढूंढते गए। अच्छा किया जो तुमने इनकार कर दिया, अब उन्हें तुम्हारी कदर होगी। हर काम के लिए उस निकम्मी नैनतारा का जब उन्हें मुंह देखना पड़ेगा ना, तब उन्हें कदर होगी तुम्हारी कि तुम कैसे कोलू की बैल की तरह सारे घर के कामों में जुटी रहती थी। रहने दे अम्मा, सब ड्रामे, कोई बीमार नहीं है वो। हॉस्पिटल के पास इसलिए पाली है क्योंकि उनको लगता है मैं सुनते ही दौड़ते हुए चली आऊंगी, लेकिन इस बार मैं अपनी जिद पे अड़ी रहूंगी। जब तक वो काशी के रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी, मैं उनको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। देखती हूँ रहती कैसे है नैनतारा उस घर में। अरे अब नहीं वो टिकेगी, जब उसके सर पे काम पड़ेगा ना तो भाग जाएगी अपने घर। और वो जो उसका बहनोई आया था बाहर से, वो है कि चला गया? उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मखई, सर पे वापस बला डाल के चला गया। हाय हाय, छोटी भाभी आपकी बहन आई है। तुम जाओ अरसलान के पास। अस्सलाम वालेकुम। हैरत हो रही होगी ना मुझे यहां देखकर, इतना बुरा करने के बाद भी तुम्हारे सामने खड़ी। नहीं रामीना भी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप खड़े क्यों हैं, प्लीज बैठिए ना। बैठने नहीं आई मैं, थोड़ी देर में फ्लाइट जा रहे हैं, तुमसे माफी मांगी बिना नहीं जा पा रही थी, इसलिए यहाँ पर से छुप के आ गई हूँ। जाने अनजाने मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे से। अपना घर बचाने के लिए मैं अपनी बहन को बर्बाद करने चली, प्लीज माफ कर दो मुझे। प्लीज रामीना भी, प्लीज मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी बुराई नहीं है। मैं जानती हूँ आपने जो भी कुछ किया वो यावर भाई की वजह से किया। अच्छा तो तुम मुझसे छुप के यहाँ आ रही थी। मैं भी कहूँ कि ये जा कहाँ रही है? यावर, मैं ही पागल था कि इस कैरेक्टरलेस लड़की की शादी करवाना चाहता था, जबकि ऐसी लड़कियों को तो शादी की जरूरत ही नहीं होती। आफरीन है, एक ही छत तले अपने ही जेठ के साथ। बकवास बंद करें अपनी आप। बकवास नहीं है ये सच है, एक ऐसा सच जो आज नहीं तो कल हर एक की जुबान पे होगा। लोग तुमसे हमदर्दी रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें तुम पे शक हो जाएगा और फिर वो शक यकीन में तब्दील हो जाएगा, एक ऐसा यकीन जो तुम्हारे किरदार की धज्जियां उड़ा देगा और फिर तुम किसी के भी सामने अपने किरदार की पाक दामनी साबित नहीं कर सकोगे। आप चलिए यहां से। तुमसे मैं बाद में बात करता हूं, पहले तुम्हारी बहन से तो बात कर लूं। अफसोस है मुझे कि मैं क्यों तुम्हारे भले के लिए तुम्हारी शादी यूके में करवाना चाहता था। मुझे इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तुम यहां रहना चाहती हो, जलील होना चाहती हो, रहो, क्योंकि मेरा दिल साफ है। लेकिन लोगों का जहन साफ नहीं है। रामीना भी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूं कि आप यहां से अपने मियां को लेकर फौरन चली जाएं और खुदा के वास्ते मुझे जिंदगी भर अपनी शक्ल ना दिखाइएगा। हमें भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है, अच्छी तरह याद रखो।
आइंदा हमारा तुमसे कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी भूल जाना कि तुम्हारी कोई बहन भी थी। चलो रामीन। या अल्लाह खत्म कर दे मेरी आजमाइश। दुनिया बड़ी जालिम है बेटा, और हमारी नैनतारा बहुत मासूम। नहीं सह सकेगी वो दुनिया की चुपती नजरों को और तंज के तीर बरसाती जबानों को। हाँ रानी बोलो। हेलो बड़े भैया। बस 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 बहुत सुनने। हेलो हेलो बड़े भैया। भैया छोटी भाभी बेहोश हो गई है। क्या कैसे? ठीक मैं आ रहा हूँ। हाँ बस 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 हाँ बस 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 छोटी भाभी बस बस छोटी भाभी बस बस छोटी भाभी क्या बड़े भैया बेहोश हो गई। इसे कमरे में नहीं लेके जा सकती थी। वो साबजी अरसलान भाभी को कैसे लेके जाती? नैनतारा 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 भाई बेहोश हो गई थी तुम। मेरा ब्लड प्रेशर इतना गिर गया था कि इमरजेंसी में यहाँ लाना पड़ा। लोग तुमसे हमदर्दी रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें तुम पे शक हो जाएगा और फिर वो शक यकीन में तब्दील हो जाएगा। एक ऐसा यकीन जो तुम्हारे किरदार की धज्जियां उड़ा देगा और फिर तुम किसी के भी सामने अपने किरदार की पाक दामनी साबित नहीं कर सकोगी। नैनतारा डॉक्टर से कहना है कि ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हुआ है। नैनतारा जी किस बात का स्ट्रेस है तुम्हें? था मुझे घर जाना है अरसलान के पास। तारा क्या कर रही हो? खून निकल आएगा तुम्हारा। मैं डॉक्टर। सलाम जी। थैंक गॉड आपको होश तो आया, वरना इन्होंने तो मेरा काम करना मुश्किल कर दिया। बार बार पूछे थे आपको होश कब आएगा। तुम बिलाल हो ना? बिलाल। शुक्र है तुमने पहचाना तो सही।
जरूर आप भी हैरान हो रहोगे इस इत्तेफाक पर। इन्होंने तो मेरा तारुफ करवाना नहीं, मैं खुद इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपसे। डॉक्टर बिलाल। हेलो। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। मैं नैनतारा का सीनियर हूँ, बल्कि काफी सीनियर। वैसे तुम हो बहुत बेमरम्मत, बिना बताए शादी करके ऐसे गायब हुए कि बंदा ढूंढता ही रह जाए। ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, फरहान भाई। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। ओह सॉरी डॉक्टर साहब, एक्चुअली आई एम गेटिंग रियली लेट। अगर कोई मेडिसिन अर्ली लानी स्टोर से तो हम लोग जाए। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और ब्रेक खत्म हो जाए तो आप लोग चले जाएगा। ये मेडिसिन है और ब्रेक खत्म हो जाए तो आप लोग चले जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बेटा कहाँ है? अभी तो यही था। आप उन्हें फोन कर लें, थोड़ी देर में डॉक्टर आएंगे तो उनको यहाँ होना जरूरी है। शायद आपको आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन मेरा फोन तो नहीं है मेरे पास। अच्छा चले मैं देखती हूँ। मुझे तो लगता है अपनी शादी की मिठाई ना मैं ही खा जाऊंगा। उस घर में नहीं जाएगी ये मिठाई, नैनतारा भी नहीं खाएगी ये मिठाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक कह रहा हूँ? अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ शक्ल समेत सब कुछ अच्छा है, बस आपकी हालात ठीक नहीं है यहाँ पर। आपको आपको यकीन भी है कि वो हमारे फेंके हुए जाल में फंस जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि नैनतारा को यहाँ लाने के चक्कर में आप यहाँ बैठी की बैठी रह जाए। यहाँ फजूल बैठने के बजाय अगर जिंदगी में कुछ कर लिया होता ना तो शायद खाला को हामी भरने में इतना टाइम नहीं लगता। तुम जैसे इंसान से हाँ करने से पहले इंसान 10,000 बार सोचे। अभी आप ये सोच ले कि मेरी शादी करवाने के चक्कर में आपकी शादी ना टूट जाए। और हाँ वैसे मैं तो निकम्मा ठहरा, कहाँ नैनतारा के साथ सूट करूंगा मैं? मर जाओ तुम इडियट। अम्मा अपने बेटे को संभाल ले वरना मेरे हाथों से जाया हो जाएगा ये। अरे अब क्या कर दिया उसने? वहां बैठकर मुझे औरतों की तरह बददुआएं दे रहा है कि मेरा घर उजड़ जाए। आप उसे काम पर जाने का क्यों नहीं कहती हैं? घर में बैठे बैठे औरतों जैसी आदतें हो गई हैं इसकी। अब वो काम नहीं करेगा, कारोबार करेगा। बस आप मान जाए तो मेरे और मेरे बेटे के दिन फिर जाएंगे।
हमारे घर के बाहर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई होगी और तुम्हारा भाई सूट बूट पहन के ऑफिस में जाके मुलाजमों पे हुक्म चलाएगा। कारोबार करेगा या किसी मुल्क की बादशाहत जो हुक्म चलाएगा। और अम्मा एक बार कहकर आप भूल गई हैं, प्रेशराइज तो करें खाला को। अरे कितना प्रेशराइज करूं, एक दफा बात की तो आपा हॉस्पिटल पहुंच गई। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। अरे कुछ नहीं होने वाला उन्हें, अरमान का सदमा कितना बड़ा था, बर्दाश्त कर लिया ना। और हम उनकी लाडली बहू को यहाँ लेकर आ रहे हैं, उनका पोता थोड़ी छीन रहे उनसे। रखे उस पोते को, बल्कि मैं परवरिश करूंगी उसकी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह संभालूंगी उसे। अरे अपना बच्चा समझ के तो तुम तब पालोगी ना जब वो तुम्हारे हवाले करेंगे। और ये सब कुछ तुम भूल जाओ बेटा, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो ठीक है, जो काम इज्जत से नहीं हो रहा तो खाला तैयार हो जाए अपनी लाडली बहू की बेइज्जती सहने के लिए। जब खानदान वाले मोहल्ले वाले पीछे पड़ेंगे ना, तब उनको मानना ही पड़ेगा। लगते हैं अम्मी आ गईं। तुम ये तकिया वगैरह ठीक करो, मैं अम्मी को लेके आती हूँ। कौन? एक मिनट। जी आप जई भाभी के दोस्त हैं ना? फरहान भाई हैं घर पर? नहीं वो तो घर पे नहीं है, अम्मी के साथ हॉस्पिटल गए हैं, कुछ जरूरी काम था आपको। जी कुछ बात करनी थी उनसे। आंटी आ जाए तो अच्छा, उनके सामने ही बात हो जाए, तब तक हम अंदर वेट कर लेते हैं। हाँ आप लोग आ जाए अंदर वेट कर लें अम्मी का। अपने शोहर के होते हुए उसके भाई से चक्कर चलाती नहीं, और बेचारा इसका शोहर, वो बेचारे ये समझता रहा कि इनकी बीवी इनके साथ सिंसियर है। आपा के तेवर ठीक नहीं लग रहे, तुम अपने घर वापस चली जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। रब दिला बिच रहे। हमें आपसे कुछ बात करनी है। कीजिए, क्या बात है? बात दरअसल आपके घर की इज्जत की है। आंटी को भी यहीं बुला लें तो ज्यादा बेहतर है, वो घर की बड़ी हैं, मेरे ख्याल में उनका यहाँ होना जरूरी है। एक्चुअली बात ये है कि अम्मी अभी हॉस्पिटल से आई हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन से दूर रहने को कहा है। जो भी बात होगी मेरे आपके दरमियान होगी। इस वक्त मैं अम्मी को किसी भी सूरत में परेशान नहीं कर सकता। वो बात तो ठीक है, लेकिन हम आपकी वालदा से मिले बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, आप प्लीज उन्हें बुला लो। नहीं, मेरा इस वक्त ड्राइंग रूम में होना जरूरी है, मैं भी तो देखूं केरम कौन सी पंचायत लगा रही है। अब मैंने कहा ना क्या परेशान ना हो, मैं संभालूंगा सब कुछ, आप बस आराम करें थोड़ा सा। अब तो इनकी सुनकर ही आराम करूंगी, चलो जरा इनकी सुने। आप शरीफ लोगों की आमद का कुछ कुछ अंदाजा तो हो रहा है मुझे, फिर भी आप लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आप लोग कमेटी बनाकर आए हैं तो यकीनन कोई बड़ी बात ही होगी आपके लिए। हमारे लिए तो बड़ी बात ही है, लेकिन आपको नहीं लगती शायद। इरम प्लीज अब थोड़ा तमीज से बात करें। आप जरा दो मिनट खामोश रहेंगे, हम बात कर लें जरा। देखिए आपके जवान बेटे की मौत से जो इस घर पर और आप पर कयामत टूटी है, उसका एहसास हम अपने दिलों में कर सकते हैं, लेकिन आपका बेटा तो आपकी बेवा बहू में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। क्या बकवास है, आपको किसने हक दिया कि आप मेरे घर में आके मुझ पर उंगली उठाएं? उंगलियां तो उठेंगी साहब, जब आपकी निगाहें किसी गैर महरम पे उठेंगी तो मोहल्ले वालों की उंगलियां तो उठेंगी और जबान भी खुलेगी और मुंह भी खुलेगा। पूछें आप अपने बेटे से कि आपकी जवान बहू को
अपनी गोद में उठा के कहां ले जा रहा था? बेहोश थी उस वक्त, चल के नहीं जा सकती थी, इसलिए उठा के लेके गया। जो भी था आपको एटलीस्ट ये नहीं करना चाहिए था। What nonsense? मैं एक लड़की जिसकी तबीयत इतनी खराब है उसको वहीं पे पड़ा रहने दूं, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को बुरा लगेगा? देखिए बात सीधी सी है, वो लड़की जवान है, यूं इस तरह सारी जिंदगी तो आपके घर में नहीं रह सकती। इससे बेहतर तो ये है कि आप उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें और उसको यहाँ से चलता करें। देखिए हमें भी अच्छा नहीं लगता बार बार यही शिकायत लेकर आपके घर पे आना। ये हमारा घर है और हमें यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना इसके लिए हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। प्लीज जाइए यहाँ से। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग नहीं मानेंगे, इसी तरह हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे बस। जबान को लगाम दो लड़की। लगाम तो आपको देनी चाहिए। कभी बच्चे की बीमारी का बहाना करके रातों को सैर की जा रही है और कभी नैन तारा की बेहोशी का बहाना करके। आपने कह दिया जो आपने कहना था, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। आप समझा दें अपने बेटे को, मोहल्ले में रहते हुए मोहल्ले वालों के साथ बैर नहीं लिया जाता, और वैसे भी हमने तो सुना है कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी बेगम भी इन्हें छोड़कर चली गई। I'm warning you. खबरदार अगर तुमने एक लफ्ज और कहा तो। अब जाओ यहां से। जा रहा हूं। अमीर, आप इनकी वजह से ज्यादा परेशान ना हो। बकवास करें ये लोग। इन लोगों की जबानें बंद करने का बस एक ही तरीका है फरहान, तुम नैन तारा से निकाह कर लो। आपका हुक्म सलाम, लेकिन यावर ने भी यही किया था, नैन तारा की शादी करानी चाहिए थी और वो उससे बच के हमारे घर आई थी। अब अगर हमने भी यही फैसला किया तो फिर वो बेचारी कहाँ जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये फैसला उससे उसकी आखिरी पनाह का भी छीन ले। रब्बा मेरे हाल दम हैरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। इन लोगों की जबानें बंद करने का बस एक ही तरीका है फरहान, नैन तारा से निकाह कर लो। अमी सब कुछ जानते हुए भी कैसे फरहान भाई से शादी के लिए कह सकते हैं? और फरहान भाई, मैंने तो कभी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा। अरसलान बस करो। आ जाए। क्या हुआ? हमारा शहजादा रो क्यों रहा है? अभी सोए नहीं? नहीं। तभी ठीक है सर? जी। मुझे दो। क्यों क्यों? इतने थोड़े थोड़े अपने तारे को पहचानना शुरू हो गया, तभी गोद में आते ही चुप हो गया। क्या हुआ नैन तारा? Is everything okay? जी। तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो, झिझकने की जरूरत नहीं है। वो मैं यहां से जाना चाहती हूँ। कहाँ जाओगी? पता नहीं कहाँ जाऊंगी, लेकिन एक ही बहन थी मेरी, वो भी वापस चली गई और दूसरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है,
लेकिन आप तो ऐसे किसी इदारे को जानते होंगे ना जहां मुझ जैसी बेसहारा लड़कियां जाकर रह सकें। वहां तो मेरे रहने पे किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं होगी, ना महरम और ना महरम के इश्यूज होंगे। आप प्लीज मुझे कोई ऐसी जगह बता दें जहां पे मैं और अरसलान सुकून से रह सके। मैं एक्चुअली ऐसी बहुत सी जगहों को जानता हूँ जहाँ पे बेसहारा होते रहती है, लेकिन नैनतारा तुम बेसहारा नहीं हो, मैं और अम्मी साथ हैं तुम्हारे। ये घर जितना मेरा है उतना अरमान का भी है, सो उस हक से तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। लेकिन लेकिन ये लोग, लोगों का क्या है, उनका तो काम ही कहना है। वैसे भी वो कब क्या सोचते हैं छोड़ दूंगी मैं, हमें भी अलगान होते रहते हैं सोच सोच के कि वो लोग क्या सोचेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दो चार रोज में वो सब कुछ भूल भाल जाएंगे, इसलिए रिलैक्स होके सुकून से रहो यहाँ पे, ओके? जरी, अच्छा बेटा दिन चढ़ गया, तेरी अभी तक नींद ही नहीं पूरी हुई। हालांकि क्या नहीं गई अभी तक? हाँ बस जाने ही वाली थी, अब मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ मिठाई लेके जाऊँ ना उनके घर। अरे आप तो उनकी ताजियत के लिए, मेरा मतलब है आदत के लिए जा रही है ना, क्या जरूरत है मिठाई की। ऐसे भी मामला इतना गर्म है, मुझे लगता है कि मोहल्ले वालों की चढ़ाई की वजह से वो हाँ कर देंगे। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ, लोगों की बातें सुनकर तो वो और भी मजबूत हो गई होंगी। अरे वो नहीं हाँ करने वाली, मैं जानती हूँ बहुत जिद्दी है मेरी आपा। अम्मा अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। अगर वो मोहल्ले वालों की वजह से नहीं मानेंगी तो मैं खानदान वालों को भी टेके पर मजबूर कर दूंगी। क्या जरूरत है मिठाई वगैरह में पैसे खर्च करने। अरे मैं थोड़ी सी ले जाती हूँ मिठाई। देखो बेटा, मैं या मेरा बेटा कोई मजबूर नहीं है जो लोगों की बातें सुनकर तुम्हें घर से निकाल देंगे। तुम्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और फरहान है ना संभाल लेंगे सबको, बस तुम अपने बेटे का ख्याल रखो। बड़ी माँ किचन का कुछ सामान लेकर आने। हाँ तो ले आओ जाकर। अच्छा सुनो, बल्कि ऐसा करो अपनी छोटी भाभी को भी साथ ले जाओ। अम्मी लेकिन मैं क्या करूंगी जाकर? कुछ नहीं करना, बस सामान लेकर आना। अरे ये तो है ही झल्ली, बताती पूछूं लेकर कुछ आ जाती है। तुम जाओगी ना तो जरा मुझे तसल्ली रहेगी। अम्मी अरसलान काफी देर से सो रहा है, अगर मेरे जाते ही उठ के आना तो आपको बहुत परेशान करेगा। वो बिल्कुल नहीं परेशान करता बेचारा, तुम बहाना मत बनाओ और जाओ इसके साथ। जाओ जाकर देखो आया होगा कोई मोहल्ले से, बिठाओ उसे ड्राइंग रूम में, तब तक नैनतारा चेंज कर लेती है, जाओ। जी जी मैम। नैनतारा तुम जाओ बेफिक्र होके, अरसलान की तरफ से फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगी उसे, ठीक। आजकल ये मोहल्ले वालों को ना हमारे घर की इज्जत का बड़ा ख्याल रहने लगा है। आपने तो पलट कर आपा फोन ही नहीं किया, मैंने सोचा मैं ही ढीठ बनकर चली जाऊं, आपकी तबीयत का भी पूछ लूं और जवाब भी ले लूं। कैसी तबीयत है अब आपकी? शुक्र है मेरे मौला का। रही बात जवाब की, वो मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूं। ना मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और ना ही काशी का रिश्ता। आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं। एक पराई लड़की के लिए अपनी भांजी को दर बदर कर रही हैं आप। दर बदर वो अपनी जिद की वजह से हो रही है और तुम्हारी शय की वजह से।
मेरी एक बात सुन लो नुसरत, अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा ना तो उसकी जिम्मेदार तुम भी होगी। अब अगर उसके साथ बुरा भला हुआ ना कुछ तो मेरे पास शिकायत लेकर मत आना। जो कुछ आप कर रही हैं इससे ज्यादा और बुरा हो भी क्या सकता है? बुरा भी उसके साथ हुआ नहीं है नुसरत, जब होगा तो बहुत पछताओगी तुम और तुम्हारे साथ वो भी। कह देना जाकर उससे कि मैं या मेरा बेटा उसकी जिद के आगे झुकने वाले नहीं। Guess what? मैंने तुम्हें क्यों फोन किया? मेरा वैसे ही मूड बहुत खराब है रम, जो भी बताने के लिए फोन किया खुद से बता दो। भाई यकीनन तुम्हारा मूड जिसकी वजह से ऑफ है ना वो मेरे सामने ही खड़ी है इस वक्त। नयनतारा सामने खड़ी है? जाहिर है, जैसे बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की है यार, इतनी बातें सुनने के बाद भी घर से बाहर निकल रही है। इरम यही हिम्मत तुम्हें तोड़नी है, उसको इतना जलील करो कि खुद से भी नहीं नजर मिला पाए। मैं इस वक्त गली में नहीं एक स्टोर में हूँ, काफी लोग हैं मेरे आसपास। ये तो और भी अच्छी बात है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। उसको इतनी सुनाओ कि 10,000 बार सोचे घर से बाहर निकलने से पहले। डोंट वरी, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं बहुत अच्छे से पूरी कर सकती हूँ। वैसे भी कल का कुछ उधार है उसकी तरफ, उसे चुकाने का इससे अच्छा मौका मुझे मिल ही नहीं सकता। That's the spirit. चलो फिर बात करते हैं तुमसे। रानी कितना सामान रह गया, जल्दी करो ना, सलाम तंग कर रहा हूँ मम्मी को। बस भाभी हो गया, पूरा हो गया ना, देख लिया। चलें भाभी बिल बनवा लेते हैं। किस तरह की लड़की हो तुम, अपने शोहर के होते हुए उसके भाई से चक्कर चलाती नहीं। और बेचारा इसका शोहर, वो बेचारा ये समझता रहा कि इनकी बीवी इनके साथ सिंसियर है। इसे तुम्हें कभी डर नहीं लगा? डरना तो आपको चाहिए इरम बाजी, गलत इल्जाम लगा रही हैं आप भाभी पर। इल्जाम नहीं है ये सच है, जरी ने खुद देखा अपनी आंखों से इसे फरहान भाई के साथ। गवाह है जरी उन लम्हों की जब तुमने फरहान भाई के दिल में उसके लिए जहर घोला। ऐसा कुछ भी नहीं है रम, ऐसी लड़की को घर में रखा ही क्यों है, फौरन निकाल के घर से बाहर कर देना चाहिए। अरे घर से निकाल के बाहर ही तो नहीं कर सकते बेचारे, आखिर को फरहान भाई पर पूरा कब्जा तो जमा लिया। इसी तरह की होती हैं ये लड़कियां। भाभी अरे बाबा हम तो झूले हैं, हाँ मामा नहीं आई अभी तक। लो आ गई मामा। मामा आ गए। नैनतारा इसे क्या हुआ? कोई खौफ खुदा नहीं है लोगों को, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, बिना सोचे समझे आग उगल कर जला देते हैं लोगों को। क्या ओल फोल बक रही हो तुम, क्या हुआ नैनतारा को, रोती भी क्यों गई है? बेगम साहिबा रोए ना तो और क्या करें, वो इरम बाजी है ना, उन्होंने स्टोर पर खूब तमाशा लगाया, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए अपनी छोटी भाभी पर, अल्लाह माफी। रब दिला।